खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर आज अंबेडकर पार्क में श्रमिक बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही बच्चों को साइकिल वितरण के साथ ही सरकारी योजनाओं से भी लाभान्वित किया गया। सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रमाण पत्र के माध्यम से सभी श्रमिक और उनके बच्चों को ये लाभ दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक उपस्थित रहे। इस दौरान लाभार्थियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करते हुए भाजपा MLC विजय बहादुर पाठक ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं उन सभी अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिल रही हैं और उनके कल्याण के लिए हैं। यही कारण है कि सरकार की नीतियों का लाभ आम जनता को मिल रहा है और लाभार्थियों को शादी का अनुदान भी दिया जा रहा है। भाजपा MLC ने आगे कहा कि भाजपा सरकार 365 दिन और 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। जिले में भाजपा का भले ही एक ही विधायक है, लेकिन इस बार 2017 से अधिक सीट जीतकर 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। MLC विजय बहादुर पाठक ने कहा कि सपा के पदाधिकारियों के हाथ छापे पर सपा इसे राजनीतिक रूप देने लगी है। सपा की यूपी में सरकार रही है और केंद्र सरकार में बैसाखी के रूप में ये पार्टी काम कर चुकी है। जो भी एजेंसियों का काम होता है उनका पूरा होमवर्क होता है। एजेंसियां कब छापा डालेंगे कोई राजनीतिक दल तय नहीं करता है। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। सपा के लोग और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिना बात का बतंगड़ बना रहे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो लाभार्थी हैं उनके लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण का काम था और सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है, श्रमिकों के लिए भी विशेष तौर पर काम कर रही है और उनके परिजनों के लिए काम कर रही है। तो आज बालक बालिकाओं के लिए साइकिल वितरण काम था, उनके जो अनुदान मिलता है शादी का उसका था और अन्य प्रमाण पत्रों के वितरण का काम था। अब बड़ी संख्या में इसकी योजना तैयार की गई है। इस जनपद में परसों ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 लाख लोगों के खातों में 1,000 रुपये की धनराशि दी है। आज भी 100 से 150 लोगों का साइकिल प्रमाण पत्र इन सब कामों के वितरण की योजना तैयार हुई थी और उसके तहत वितरण का काम हुआ है। आज श्रम विभाग के अंतर्गत जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनके पुत्र एवं पुत्रियों को साइकिल वितरण योजना का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। आज यहाँ पर 100 साइकिलों का वितरण उनकी पुत्रियों को किया जा रहा है और इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी चलते रहेंगे। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।